हेलो एवरीवन स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एडिटोरियम का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर तेरह देखेंगे इससे पहले बारह प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख चुके हैं अगर आप लोग नहीं देखे होंगे और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोग वहाँ से भी जाकर देख लीजिए और अपना तैयारी जारी रखिए एग्जाम दिसंबर या जनवरी में ज़रूर होगा और फिर चौंसठ नए वैकेंसी भी आ गए हैं मध्य निषेध का दरोगा का तो आप लोग वहाँ से भी उसको डाल दीजिए सीट नहीं देखे कितना कम है या ज़्यादा है तो अपना तैयारी रखिए और बिहार पुलिस का भी डेट दे दिया गया है तो ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछता है नहीं है कि हाँ बिहार दरोगा का सेट है तो बिहार दरोगा में ही पूछेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है तो निम्नलिखित में राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार सातवां अंग कौन होता है तो ऑप्शन है मित्र कोष दुर्ग जनपद तो सु सुहद यानी मित्र हो जाएगा सातवां अंग मित्र हो जाएगा सुहद राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग होता है मित्र और राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उनकी सहायता करते हैं अगला प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी तो सही सुनता उदारता और करुणा के आधार पर अशोक ने राजधर्म की स्थापना की थी और अशोक मौर्य वंश से संबंधित था मौर्य वंश से संबंधित था बहुत बार क्वेश्चन पूछता है अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ग्रंथ सोलह महाजनपदों का उल्लेख करता है तो सोलह महाजनपद का उल्लेख कौन करता है तो ऑप्शन है खुदक निकाय अंगुतर निकाय दीर्घ निकाय मजिगम निकाय तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुतर निकाय और अंगुतर निकाय सोलह महाजनपद का उल्लेख करता है अगर जो बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का ग्रंथ था संबंधित है बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म से जबकि अब से क्वेश्चन पूछेगा कि एक जैन ग्रंथ भी है जो सोलह महाजनपदों से सोलह महाजनपदों का उल्लेख करता है वह है अंगुतर निकाय उसका नाम है अंगुतर निकाय चलिए अगला प्रश्न है कि उदयन वासवदाता की दंत कथा किससे संबंधित है तो उदयन वासवदाता की दंत कथा जो संबंधित है वह उज्जैन से संबंधित है उज्जैन और उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंतिका था जो कल का जो लुसेंट का एक सेशन लुसेंट का निचोर का भी वीडियो चल रहा है उसमें यह क्वेश्चन था ठीक है तो देखिए लुसेंट उत्तर भारत के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुसेंट में बहुत कुछ है अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो लुसेंट से बाहर कुछ नहीं पूछता है अगला प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी दोस्तों मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में किसके समय में आया था तो जो चंगेज खा आया था बारह सौ इक्कीस ईस्वी में तो बारह सौ इक्कीस में उस समय शासन था इलतुतमिश खा इतमिश खा और इलतुतमिस अपनी राजधानी नई दिल्ली था नई दिल्ली बनाया था अगला प्रश्न है कि गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था गृह कर यानी घर पर जो कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी था जो घड़ी घड़ी कर घरों पर झोपड़ियों पर लगाया था और इसी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली और सैनिकों के द्वारा होलिया लिखने की प्रथा घोड़ा दागने की प्रथा यह सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था अब इसी में पूछता कभी कभी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था फिरोसा तुगलक फिरोसा तुगलक और बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी अगला पास नहीं क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी तो क्रांतिकारी गतिविधियों कर के साथ कौन सी इसमें पत्रिका नहीं जुड़ी थी तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया यंग इंडिया 1919 सौ में महात्मा गांधी के द्वारा यह साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया गया था जो किसी भी आंदोलन में अहिंसा संबंधित को प्रकाशित करता था यह क्रांतिकारी गतिविधि के साथ नहीं जुड़ा था जबकि गदर युगांतर यह सब जुड़ा था गदर लाला हरदयाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था इसका गदर पार्टी का स्थापना उन्नीस में किया गया था और इसका मुख्यालय फ्रांसिस्को में था अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगम में कौन सही सुमिलित नहीं है तो इसमें से बताना है कि कौन इसमें से सही सुमिलित नहीं है तो बक्सर का युद्ध सत्रह सौ चौसठ में हुआ था सही है सहायक संधि सहायक संधि जो बता रहा है अठारह सौ तिरसठ ईस्वी यह गलत है यह अठारह सौ तिरसठ में नहीं हुआ था सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सत्रह सौ अंठानवे ईस्वी में लागू किया गया था जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार अठारह सौ तैंतीस ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के अठा के लिए व्यापार भारत में व्यापार खोला जाना है अठारह सौ तेरह के चार्टर अधिनियम के तहत तो सब सही है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा वो गलत है ऑप्शन नंबर मतलब सहायक संधि सत्रह सौ अंठानवे में हुआ था अगला प्रश्न है कि विलय का सिद्धांत विलय का सिद्धांत के तहत डॉक्टर ऑफ लैप्स के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले सतारा का विलय हुआ सतारा का लॉर्ड लॉर्डोलॉजी के शासनकाल में जो 1848 से लेकर अठारह तक गवर्नर जाना रहा ठीक है और उसमें पहले सतारा को मिलाया सतारा के बाद बघाट को सतारा के बाद बघाट को बघाट के बाद उदयपुर को उसके बाद झांसी को ठीक है तो ऐसे ऑप्शन के अनुसार बताए हैं नहीं तो सतारा के सतारा अठारह सौ अड़तालीस में सतारह सौ सतारा को अठारह सौ अड़तालीस में मिला लिया उसके बाद जैतपुर को अठारह सौ अड़तालीस में बघाट को अठारह सौ पचास में मिलाया था उदयपुर उदयपुर को उदयपुर को अठारह सौ बावन में और झांसी तो झांसी को अठारह सौ तिरपन में और नागपुर को अठारह सौ चौवानीसवी में विलय कर लिया था डल्हा ने तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अगला प्रश्न है कि हो जाति हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था तो हो जनजाति जो विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था तो यह हुआ था 1820 ईस्वी को हुआ था 1820 सौ ईस्वी को कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि चेर विद्रोह चेर विद्रोह जो हुआ था चेर विद्रोह 1800 सौ ईस्वी में हुआ था हो जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था कोल विद्रोह कोल विद्रोह जो हुआ था वह यह हुआ था अठारह सौ इकतीस से बत्तीस में हुआ था कौल विद्रोह इक्तीस से बत्तीस में हुआ था संथाल विद्रोह संथाल विद्रोह जो हुआ था संथाल विद्रोह यह अठारह सौ पचपन से लेकर छप्पन था एक साल तक चला था मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा इसमें थे बिरसा मुंडा जो इसमें थे, मुंडा इसमें विद्रोह अठारह सो निवे से लेकर उन्नीस सौ ईस्वी तक चला था अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था तो हंटर कमीशन या प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था अठारह सौ में अठारह सौ में डब्लू डब्लू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था एक हंटर आयोग जो जलियावाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए बना था अगला प्रश्न है कि नवबौद्धवाद के प्रतिवादक कौन है नव बौद्धवाद यानी नया तो इसके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को और 1920 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई और असहयोग आंदोलन एक अगस्त उन्नीस से शुरू हो गया अगला प्रश्न है कि नाव और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है

खिलाफत जो हुआ था 1919 से लेकर 1920 में ये ठीक है और जलिया वाला बाघ हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ठीक है लेकिन खिलाफत जो हुआ था ना इसका भी डेट याद रखिएगा यह या 27 अक्टूबर को हुआ था 27 अक्टूबर को तो यह बाद में हो जाएगा तो पहले आपका लखनऊ समझौता हो जाएगा उसके बाद चंपारण हो जाएगा उसके बाद जलिया वाला बाघ हो जाएगा उसके बाद खिलाफत हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार क्या रखा गया है तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है इसका जो आधार रखा गया है वह रखा गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तो जो संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद एक के तहत अनुच्छेद एक के तहत संविधान में है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है तो इसको बुलाते कौन है तो इसको बुलाते इसके उसको बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति ठीक है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष अधिवेशन के अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष कितने अनुच्छेद के तहत करते हैं तो एक अनुच्छेद के कहते हैं लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन कहेगा तो यह एक अनुच्छेद में है एक अनुद में है। अगला प्रश्न है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम जो सभापति थे वह बाबा साहेब कालेकर थे बाबा साहेब कालेकर थे और इस आयोग का गठन जो हुआ था ना उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी हुआ था पिछड़ी आयोग का गठन उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी में हुआ था इसके उस समय द्वितीय अध्यक्ष बने थे बीपी मंडल और एक सौ दुआ संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदाप्त किया गया था लिखानुदान बना है यानी लेखानुदान जो है ना किससे बना है तो लेखानुदान जो होता है ना यह बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनता है अगर बजट पारित लंबित होने के कारण देर हो जाए उसमें तब निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अगला प्रश्न है कि भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है अब देखिए ऑप्शन है आपका यूपीएससी के अध्यक्ष है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है नियंत्रण नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में सबसे पहले यूपीएससी के अध्यक्ष आएगा वरीयता क्रम में सबसे पहले हालांकि यूपीएससी के अध्यक्ष नियंत्रण महालेखा परीक्षक और चुनाव आयोग सभी नौ के ए के रैंक के रैंक पर ही हैं लेकिन पहले आएंगे यूपीएससी के अध्यक्ष अगर ऑप्शन ऐसे रहता तो पहले राष्ट्रपति आते हैं पहले राष्ट्रपति तो तो राष्ट्रपति उसके बाद उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तब तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद अपने अपने राज्यों के राज्यपाल उसके बाद ही कोई आता है तो ये चार याद रखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री तब तो राज्यपाल सभी राज्यों के अपने अपने राज्यों के राज्यपाल अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को उन्नीस कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है तो अब आपका देखिए अब इसमें क्वेश्चन दो हो गया पंचायती राज संस्था जो है वो उसमें कितने भाग हैं कितना कार्य दिया गया है उसको तो उनतीस कार्य दिया गया है और इस किस सूची के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है तो यह दिया गया है अनुच्छेद 243 के जी के तहत अनुच्छेद 243 के जी के तहत दिया गया है और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज हेतु उन्नीस विषयों का वर्णन किया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग नौ के अनुच्छेद दो से लेकर दो के ओ तक पंचायती राज का वर्णन किया गया है और ग्राम पंचायत होगा तो अनुच्छेद चालीस अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बाद बाकी रेगुलेटर एक्ट चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सभी ऐतिहासिक था और यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट नहीं था अगला प्रश्न है कि एक तरफ पंचायती राज समिति है एक तरफ वर्स आया था तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है अब देखिए सी एच हनुमंता राव तो सी एच हनुमंता राव यह उन्नीस सौ चौरासी ईस्वी में आया था उन्नीस सौ चौरासी में देखिए डेट आप याद रखिए यहीं पर मिलान आप कर लीजिएगा तो सी एच हनुमंता राव उन्नीस सौ चौरासी में आया था जे वी के राव जे वी के राव यह उन्नीस सौ पचासी में आया था यह उन्नीस सौ पचासी में आया था अशोक मेहता तो अशोक मेहता जो आया था यह उन्नीस सौ देखिए पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति संतावन में उसके बीस साल बाद तो यहाँ देखिए यहाँ अठहत्तर में आया था ये कानून बन गया तो यह हो जाएगा उन्नीस सौ अठहत्तर सतहत्तर में बनाए थे अठहत्तर में लागू हो गया अब आया एम एल सिंघवी तो एम एल सिंघवी जो था ना यह समिति आया था उन्नीस सौ छियासी में उन्नीस सौ छियासी में और बलवंत राय मेहता समिति तो बहुत फेमस है उन्नीस सौ संतावन में आया था तो इसको डेट याद रखिए और एक जगह कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों नोट no डाउन कर लीजिएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है तो संसदीय व्यवस्था के विषय में आपको बताना है तो संसदीय व्यवस्था के विषय में आपका विधायिका विधानसभा के प्रति जवाब है यहाँ बात सही है और संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है एवं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है जबकि विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है तो ऑप्शन नंबर ए सही है और संसदीय जो व्यवस्था या ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति का चुनाव सॉरी राज्य में नहीं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या राज्यसभा के द्वारा भारत की जनता के द्वारा संसद के दोनों सदनों के द्वारा इनमें से कोई नहीं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है ठीक है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली ये भी बात याद रखिएगा आप खूब पूछता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है इसमें निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के साथ दिल्ली जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं तो यहाँ दोनों सदस्य दिया था बाद बाकी नहीं दिया था तो इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था तो एन एल आर एम पी दो हज़ार आठ में शुरू किया गया था याद रखिएगा दोस्तों 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम 2000 हज़ार देख लीजिए 2008 हज़ार 2009 2010 2011 हज़ार नौ दो हजार दस हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है प्रत्यक्ष कर तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इसमें से बिक्री कर नहीं है जबकि निगम कर संपत्ति कर आयकर या प्रत्यक्ष कर है और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी है वैसे बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे और योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था और यह योजना आयोग जो था पंचवर्षीय योजना यह रूस के रूस देश से ग्रहण किया गया ठीक है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और अभी वर्तमान में योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाया गया है उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का स्थापना छह अगस्त उन्नीस को हुआ था का संबंध मुख्यतः किससे है तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्यतः संबंध है वह किससे है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योजनाओं को लागू करने से पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने से इनमें से कोई नहीं तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है योजनाओं के योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से है तो इसमें से ऑप्शन नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है तो बृहद मुद्रा तो बृहद मुद्रा के नाम से एम थ्री को जाना जाता है और यह मुद्रा के पूर्ति का जो नियमन होता है ना आर करता है आर करता है और एम थ्री को बृहद मुद्रा के नाम से जानते हैं और मुद्रा के जो व्यापकता है ना इसको एक क्रम में बांट दिया गया है एम फोर पहले ऑप्शन एम एम फोर आता तो एम फोर होता एम फोर एम थ्री एम टू एम वन अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है तो सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार भारत में केरल राज्य में है और भारत केरल में थोरियम का भंडार मोनाजाइट बालू के निक्षेप से मिलता है और थोरियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है या यूरेनियम की भांति स्वतः विखंडनीय नहीं होता है और जो मोनाजाइट है यह थोरियम का अयस्क है अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है तो हिमालय वनस्पति की जाति इसमें से कौन नहीं है तो यह हो जाएगा महोगनी महोगनी हो जाएगा या जाति नहीं है जब यह बल्कि यह विश्वतीय वन की जाति है विश्वतीय वन की जाति है अगला प्रश्न है कि अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है अचानक मार तो अचानक मार जो है ना यह छत्तीसगढ़ राज्य में है छत्तीसगढ़ राज्य में है और इसे दो में यूनेस्को में शामिल किया गया था वैसा ही नीलगिरी बायोस्फीयर या तमिलनाडु में है सिमलीपाल उड़ीसा में है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है कंचनजंगा सिक्किम में है और पन्न जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी मध्य प्रदेश राज्य में है अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है तो निर्वनीकरण का प्रभाव इसमें से कौन नहीं होगा तो ये हो जाएगा नगरीकरण नगरीकरण या निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है अगला प्रश्न है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है सेम किस स्थिति से संबंधित है तो सेम जो होता है ना यह परिस्थितिकीय में परिवर्तन से सेम होता है संगक समीकरण मॉडलिंग जिसको सेम बोलते हैं एक शक्तिशाली बहु बहुभिन्न रूपी तकनीक है जो परिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है सेम संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग अगला प्रश्न है कि सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है सेफ्रॉन तो सेफ्रॉन मतलब केसर तो केसर से संबंधित है उसी तरह हरित क्रांति हरित क्रांति खदान से है नीली क्रांति मत्स्य से है गोल क्रांति गोल क्रांति आलू से है भूरी क्रांति भूरा भूरा क्रांति जो है चमड़ा से है गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है और ग्रे क्रांति उर्वरक से है रजत क्रांति अंडा से है ये सब याद रखिएगा अगला प्रश्न है कि सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो सामाजिक सद्भाव हेतु जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है कबीर पुरस्कार कबीर पुरस्कार 1990 से दिया जा रहा है धनवंतरी पुरस्कार या चिकित्सा में दिया जाता है सरस्वती पुरस्कार साहित्य में बोरलॉग पुरस्कार कृषि में और बिहारी पुरस्कार जो होता है ना यह राजस्थानी भाषा में दिया जाता है राजस्थानी भाषा के लिए बिहारी पुरस्कार दिया जाता है अगला प्रश्न है कि अल नीनो अल नीनो जो होता है ना अल नीनो यह एक बच्चा के नाम पर रखा गया है जो ईसू जो ईसा मस्जिद है वो बच्चा के नाम पर देखिए उत्तर प्रदेश का पेट का एग्जाम होता था अलिनो को पूछ देता है कि अलिनो का अर्थ क्या होता है ठीक है तो याद रखिएगा एक शांत बच्चा ठीक है तो अलिनो के तीव्र होने का परिणाम प्राय क्या होता है तो इसका जो परिणाम होता है दुर्बल मानसून आता है और मानसून हवाओं के उत्परिवर्तन से आता है ठीक है तो अलिनो के तीव्र अगर ज्यादा तेज हो जाएगा तो इसका हो जाएगा कि दुर्बल मानसून आएगा प्रश्न की निम्न कौन एक बगानी फसल नहीं है बगानी फसल इसमें से कौन नहीं है अब देखिए चावल है कपास है को, कोई में से कोई नहीं है. तो चावल क्या है खदान फसल बगानी फसल नहीं है अगला प्रश्न है कि आईसीएआर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहा आईसीआर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान जो है ना यह आपका करनाल हरियाणा में है अगला प्रश्न है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है मतलब वो बदलती नहीं है तो जो आवृत्ति होती है आवृत्ति यह हमेशा अपरिवर्तित रहती है अगला प्रश्न है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी तो दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़े कि समानांतर क्रम में जोड़े तो ये हो जाएगा कि दोनों श्रेणी दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े हो और दोनों समानांतर क्रम में जोड़े हो तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी तो अगर दोनों समानांतर क्रम में जुड़ेगा तो दो में अधिक उसका रोशनी आएगा अगला प्रश्न है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दो दो गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब देखिए एक तार में बहुत ही विद्युत धारा एवं विभवानतर प्रत्येक को दो दो गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा चार गुना बढ़ जाएगी चार गुना बढ़ जाएगी क्योंकि P बराबर जो होता है ना विद्युत शक्ति बराबर भी गुना आई होता है भी गुना आई होता है अब यहां से देखिए दो दो गुना बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा चार गुना हो जाएगा चार गुना बढ़ जाएगी अगला प्रश्न है कि किसका परमाणु तो पर ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है तो परमाणु ईंधन के रूप में इसमें से किसका प्रयोग नहीं होता है तो लेड और हीलियम का प्रयोग नहीं होता है अगला प्रश्न है कि निम्न किसने लेजर का आविष्कार किया था तो लेजर का जो आविष्कार किया था वो थियोडर मैमेन के द्वारा किया गया था थियोडर मैमेन के द्वारा किया गया था अभी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन बाय द

चंस एस चंद्रशेखर को उन्नीस में भौतिकी के क्षेत्र में जबकि जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है अगला प्रश्न है कि रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है तो जो रासायनिक प्रयोगशाला है यह आपका पुणे में है कहाँ है पुणे में है अगला प्रश्न ने है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है तो घनत्व प्रवणता को कौन इसमें से दर्शाएगा तो यह दर्शाएगा पिक्लो क्लाइन पिक्लो पिक्लो क्लाइन जो है यह जल निकाय में घन प्रवणता को दर्शाती है प्रश्न है कि निम्न युगों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है देखिए इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन यही आपका क्या है सही हो जाएगा इसी का प्रतिकन है मतलब अधिक कणों के अनुरूप उनके संबंध एक प्रतिकण होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पोजिट्रॉन होता है उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण धन अवेषित पोजिट्रॉन होता है अगला प्रश्न है कि एक तत्व तो में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः अठारह और बीस है तो इसमें द्रव्यमान संख्या कितना होगा द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है अब इलेक्ट्रॉन की जितना संख्या होता है प्रोटॉन का संख्या होता है तो बीस और अठारह अड़तीस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि आलू किस कुल से समझता है देखिए जो आलू होता है ना आलू यह या सोलनेसी कुल का पौधा है सोलनेसी उसी में कौन कौन होता है तो आलू होता है टमाटर होता है लाल मिर्च होता है बैंगन और बैंगन और तंबाकू सब सोलनेसी कुल में ही आता है और रेनन कुलेशी में जो आता है ना काला जीरा आता है बॉटर कप आता है जबकि कृषि फेरी में तो कृषि फेरी में आपका सलजम मूली सरसों फूलगोभी यह सब क्या होता है कृषि फेरी में आता है और वहीं रुटेसी तो रुटेसी में जो भी होगा आपका नींबू संतरा मौसमी होता है रोजेसी जिसमें जिसमें सेब हो जाएगा गुलाब हो जाएगा नस्पति रोजेसी में आता है अगला प्रश्न है कि दो ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए इसमें से कौन की प्रक्रिया उपयोगी नहीं है आप देखिए तो इसमें से कौन हो जाएगा देखिए आसवन जो होता है ना आसवन या ठोस अशुद्धियों के लिए नहीं होता है या प्राय प्राय तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं तो इसका ऑप्शन तो नंबर पहले ही सटा गया अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है परासरण में प्रसरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है और प्रतिलोम प्रसरण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है तो ये दोनों गलत बात है प्रसरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह प्रसरण तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर होता है ठीक है चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है मूल तत्व इसमें से कौन मूल तत्व है तो इसमें से देख लीजिए ऑप्शन पहले ही छटा जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा हीरा यह या एक मूल तत्व है अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे अनबुझा चुना कहते हैं अनबुझा चुना किसे कहते हैं तो यह हो जाएगा सी कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चुना कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं क्विक लाइम और वहीं पर बुझा हुआ चूना होता है तो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं सी एच के होल्ड टू होता है ठीक है इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है संगमरमर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति तो श्वास की गति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो श्वास की गति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा अगला प्रश्न है कि निम्न सूची एक को सूची दू से मिलान करना है एक तरफ से ग्रंथि है एक तरफ है उसको बताना है जैसे जनन ग्रंथि जनन ग्रंथि किसे समझते हैं तो जो जनन ग्रंथि है वह पोजेस्ट्रॉन से समझते हैं एक जनन ग्रंथि तो है पीयूष ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि है जो मस्तिष्क में है अग्नाशय अग्नाशय क्या है तो अग्नाशय इंसुलिन है और अधिप्रिक ग्रंथी ग्रंथि कार्टिसोल्स हो जाएगा से अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी तो एडीनो ट्राइफॉस्फेट होता है याद रखिएगा दोस्तों तो सौर ऊर्जा जो ए में बदलती है इसका जो सही उतर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा पात्रों का हरा जो रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के ही कारण होता है हरित के कारण ही होता है अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वह पुष्प होता है पुष्प और एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं टाइफाइड तथा कलरा रोग किसके द्वारा होता है तो टाइफाइड और कलरा जो रोग हो जाता है वह जीवाणु के द्वारा होता है जीवाणु के द्वारा अगला प्रश्न है कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है तो भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अगला प्रश्न है कि भारत के पहले भारतीय वायुसेना आई ए विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया तो यह किया गया चंडीगढ़ में कहाँ किया गया चंडीगढ़ में अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है तो उन्नीस जून तो को तो उन्नीस जून को जो मनाया है वक, जाता है यह पुथुवरियल नारायण पनिकर पुथुवरियल नारायण पनिक्कर के श्रद्धांजलि में उन्नीस जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय वाचन दिवस मनाया जाता है इन्हें केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में पुथुवियल नारायण पनिक्कर को जाना जाता है अगला प्रश्न है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता तो पुरुष हॉकी विश्व कप दो तो यह जीता है जर्मनी और जर्मनी भुवनेश्वर के बिहार भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा के भुवनेश्वर यानी भारत में राज है उड़ीसा उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर कर पेनल्टी शूट में पुरुष हॉकी का विश्व कप 2023 का खिताब जीता और यह जो 2023 में जो हुआ है यह हॉकी विश्व कप का पंद्रहवा संस्करण था पंद्रहवा संस्करण था अगला प्रश्न है कि इथेनॉल प्रोमोशन पॉलिसी लागू करने वाला करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो इथेनॉल प्रोमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य बन गया है वह बिहार बन गया है बिहार और इथेनॉल एक भी प्रकार का एल्कोहल ही है अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला प्लेटी प्लेटिपस अभ्यारण प्लेटिपस अभ्यारण किस देश में बनाया गया है तो जो विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य जो बनाया गया है वह बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस अभ्यारण ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी देशी का भूमि कहा जाता है प्यासी भूमिका देश कहा जाता है प्यासी भूमिका देश कहा जाता है अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो आवास मुहैया कराने का लक्ष्य जो रखा गया है वह 2024 तक ही रखा गया है 2024 तक ही रखा गया है और इससे पहले 2022 तक निर्धारित था बाद में इसको बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है कालाजार कालाजार की पूर्ण समाप्ति 2023 तक रखा गया है भारत सरकार ने कालाजार 2023 तक खत्म कर देगा डिजिटल रेडियो लॉन्च कर देगा 2024 तक 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च कर देगा पेट्रोल पेट्रोल में इथेनॉल को 20 प्रतिशत प्रतिशत मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है और एच एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य दो तक रखा गया है नेट जीरो लक्ष्य का दो हज़ार सत्तर तक रखा गया है अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा दो हज़ार के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है तो जो ये हो गया है टू पॉइंट जी डी पी का टू पॉइंट वन प्रतिशत जीडीपी का टू पॉइंट वन प्रतिशत अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया वह किस पार्टी के नेता थे तो ये थे शिरोमणि अकाली दल का या पांच बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे पांच बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे और इनको 2015 हज़ार पंद्रह में दो में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था अगला प्रश्न है कि सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य एलवन को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया तो यह प्रक्षेपित किया गया दो सितंबर 2023 को दो सितंबर 2023 को और पी एस एल भी सी संतावन के द्वारा इसको छोड़ा गया पी एस एल भी सी सत्तावन के द्वारा छोड़ा गया इसको और आदित्य एलवन की पृथ्वी से लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में एलवन लैंग्रेज बिंदु के आसपास तथा प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा अगला प्रश्न है कि सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई है सूडान में तो सूडान में चल रहा गृह युद्ध वहाँ पर वो जो चलाया गया है ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन कावेरी एक ऑपरेशन है वहाँ पर फंसे भारतीयों को छुड़ाया जाएगा अब देखिए ऑपरेशन करुणा है ऑपरेशन तो करुणा म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था और ऑपरेशन दोस्त जो था तुर्की में जो भूकंप तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसी में था उसी को भाष्य भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त अगला प्रश्न की स्वच्छता रिपोर्ट 2022 के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है तो यह किया गया हरिद्वार को और बिजनौर को एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है बिजनौर को अगला प्रश्न है कि सेमी कंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है सेमी कंडक्टर तो यह किया है जापान के साथ और यूपीआई भुगतान करने को लेकर समझौता भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था यूपीआई भुगतान करने के लिए और बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और यू के बीच में और वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है जो अजय कुमार सुद है अजय कुमार सुद और आर्थिक मुख्य सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन वी अनंत नागेश्वरन जो है आर्थिक मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी अरुण कुमार मिश्रा हैं अगला प्रश्न है अगर कि विदेश विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है तो यह जारी किया गया है अंक अंक टाड के द्वारा अंक टाड के द्वारा और इसमें भारत का स्थान आठवां है प्रथम स्थान पर अमेरिका है अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट दो के अनुसार देश में कुल मैग्रो या कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर पर है तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उनचास किलोमीटर स्क्वायर पर या मैग्रो वन और या कच्छ वन है चलिए अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ ने, ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना की पेशकश की है तो किया है फिट फोर पचपन फिट फोर फिफ्टी फाइव यानी पचपन परसेंट कम करने का लक्ष्य रखा गया है इसीलिए फिट फोर फिफ्टी फाइव रख दिया गया है अगला प्रश्न है कि भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित है किस तो पर आधारित है तो जो आंतरिक हिस्सा है वह राष्ट्रीय पक्षी मोड़ पर है ठीक है राष्ट्रीय पक्षी मोड़ पर है और वहीं आपका जो राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वह कमल राष्ट्रीय फूल कमल पर है और जो संसद के परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद है अगला प्रश्न है कि रमन मैक्स पुरस्कार दो में चार लोगों को दिया गया है इसमें से कितने भारतीयों को शामिल किया गया है तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक एक हो जाएगा एक भारतीयों को शामिल किया गया है एक भारतीयों को शामिल किया गया है चार कौन है आर रवि कन्नन जो भारतीय है मेडिकल के क्षेत्र में और कोर्बी रशहंग बांग्लादेश में शिक्षा और गरीबी के लिए मीडियम कोरोनेल फेरर जो है फिलीपींस में युद्ध विवाद सुलझाने और शासन का विरोध करने के लिए है और यूजनियो लेमो है तिमोर लिस्ते के हैं कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए अगला प्रश्न है कि पचासवा जी सात शिखर सम्मेलन जी सेवन शिखर सम्मेलन दो हज़ार चौबीस का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो यह किया जाएगा इटली में इटली में पचासवा जी सेवन शिखर सम्मेलन दो हज़ार चौबीस में होगा और जी सेवन उनचासवा जो हुआ था या जापान में हुआ था जापान में जापान में दो हज़ार तेईस में हुआ था उनचासवा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा वानिकी विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जाएगा यह तेलंगाना राज्य में किया जाएगा तेलंगाना राज्य में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया तो यह हो जाएगा यू ए संयुक्त अरब अमीरात दो हजार में चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया था अगला प्रश्न है कि वर्ष दो में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तो दो 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन होगा तो वह बिहार में होगा कहां होगा बिहार में होगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तो में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में एफ निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन हैं तो ये हो जाएंगे सिंगापुर सिंगापुर और दूसरा स्थान है मॉरिशस तीसरा यू अगला प्रश्न है कि भौतिक भूगोल का जनक किन्हें माना जाता है तो भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियम को माना जाता है पोलोडोनियम भौतिक भूगोल का जनक कहलाते हैं जबकि सांस्कृतिक भूगोल कार्ल ओसवल सांस्कृतिक भूगोल व्यवस्थित भूगोल भूगोलिज और भूगोल का जनक हिकेटियस अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है तो कौन इसमें से सुमिलित नहीं है तो बोसफोस जो है काला सागर और मरामा सागर के बीच में स्थित है सही है बेरिंग जो है या बेरिंग जो है ना यह आपका बेरिंग और प्रशांत महासागर में है तो नहीं या बेरिंग जल्ट बर, बेरिंग सागर और अटलांटिक महासागर में है अटलांटिक प्रशांत नहीं होगा और जिब्राल्टर राल्टर सागर और अटलांटिक महासागर में है तो आपका ऑप्शन नंबर बीस हो जाएगा सही अगला प्रश्न है कि दलदली एवं भूमद रखिए उस आद्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं तो यह हो जाएगा हाइग्रोफाइट क्या हो जाएगा हाइग्रोफाइट सूची एक को सूची दूसरे से मिलान करना एक तरफ गर्म हवा है एक तरफ स्थान है अब आयाला आयाला कहां का है तो जो आयाला एक गर्म हवा है या फ्रांस का है? फ्रांस का है आयाला फ्रांस का है आयाला फ्रांस का सामून सामून जो है यह ईरान का है सामून जो है ईरान का है सामून ईरान का टैमरोन टैमरोन यह है मध्य यूरोप का टैमरोन टेन जो है मध्य यूरोप का सुखोवा यह रूस और कजाकिस्तान का है रूस और कजस्का कजाकिस्तान में आपका सुखोवा एक गर्म हवा चलती है अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सा खान सोने के लिए प्रसिद्ध है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होमेस्टेक खान होमेस्टेक खान जो है या सोने के लिए है जबकि मेसाबी खान जो है या लोहा के लिए है, मेसाबी खान लोहा के लिए है और एरिजोना जो है या तांबा के लिए है, एरिजोना तांबा के लिए प्रसिद्ध है होमेस्टेक है सोना के लिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है तो बेलिंगटन जो द्वीप है यह बेमनाड झील में है बेमनाड झील जो कहाँ है केरल में है चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है यानी लौटते हुए मानसून में तो यह तमिलनाडु राज्य में होती है तमिलनाडु राज्य में होती है अगला प्रश्न है कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब का स्थापित किया गया था तो एल्युमिनियम का पहला कारखाना कारखाना उन्नीस में स्थापित किया गया था और भारत में एल्यमुनियम का पहला कारखाना अठारह उन्नीस में बंगाल में आसनसोल के निकट जे के नगर में स्थापित किया गया था और नेशनल एल्युमुनियम कंपनी लिमिटेड नाल को देश के सबसे बड़े सम्मानित एल्युमुनियम संयंत्र परिसर का गठन उन्नीस में किया गया था इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है और एल्यमियम के उत्पादन भारत का स्थान आठवा है अगला प्रश्न है कि भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था सफल कारखाना तो ये सफल कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था और कब तो अठारह सौ उनासी ईस्वी में अभी मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है अखबारी कागज और होशंगाबाद में नोट छापने के लिए कागज बनाने में सरकारी कारखाना है अगला प्रश्न है कि दो हजार ग्यारह के जनगण गन, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति जन यानी एस टी निवास नहीं करती है तो यह हो जाएगा पंजाब और हरियाणा पंजाब और हरियाणा में कोई भी एस टी निवास नहीं करती है ग्यारह के जनगणना के अनुसार ही तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में और तेरा हवा सेट हो गया दो सेट और बचा है और फिर नया किसी का सेट लाया जाएगा तब तक आप लोग अपना तैयारी कीजिए और प्ले में जाकर देखिए इससे पहले भी आपको बाईस दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है